कि मैं कुछ भाग्यवान हूँ। सारी चीजें देख रहे क्या यार आप? मुझे अभी रात में प्रॉब्लम हो गया तो फिर कैटी भाई अपने भोसरी के रहने वाले उन्होंने स्टे दिया, मेरे पास पुणे में घुमाने के लिए गाड़ी नहीं थी तो फिर अपने पाटिल साहब ने मुझे गाड़ी दी, तो समझ रहे क्या यार, और अपने मनीष भाई ने रहने के लिए जगह दी। हेलमेट नहीं था मेरे पास और मतलब मुझे ब्लॉगिंग करने का कहीं से ब्लॉक करो यार, इस ब्लॉग में मैंने कैमरा रख दिया। बाय द वे अभी मैंने कैटी भाई के यहाँ पर आया तो कैटी भाई ने मेरे लिए ये हेलमेट का जुगाड़ कर दिया है। और कल की कहानी रास्ते से जाते जाते बताऊंगा अच्छे से। धन्यवाद कैटी भाऊ, बड़े बड़े शुक्रिया। अभी कैटी भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की भाई साहब, क्या बताऊँ, कैटी भाई नहीं होते तो मेरे साथ बड़े बड़े कांड हो जाते और कांड हुए ही है ऑलरेडी हुए है कांड। अरे अभी क्या ही बताऊँ यार, सबसे पहला कांड अभी देख ही लो आप, मतलब क्या गाड़ी स्टार्ट करना सबसे पहला कांड है। एक मिनट गाड़ी साइड में ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है का बाबा? नहीं तर काय आपण बोलून राहिलो आणि काशी होऊन जाईल नंतर, आपण एक कांडच होऊन जाईल परत। कांड नाही होई कांड्या होय, कांड्या मल्टिपल कांडला काय म्हणतात रे, कांड सिंग्युलर आहे ना, कांड्स होय। जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, मारू का भाऊ? पाटील साहेब म्हटले प्रेमाने मारा, प्रेमाने मारतोय मी आता। त्यांच्याकडनं पहिला किकमध्ये गाडी चालू व्हायची भाऊ, ज्याची त्याची अंदाज असतो वाटतो तो। खंडोजी महाराज की जय। चालेल कॅटी भाऊ, भेटू परत एकदा, धन्यवाद। येतो मी हेल्मेट द्यायला, तेव्हा काही ते प्रॉब्लेम करू। चालेल कॅटी भाई, मिलेंगे बहुत जल्द। बहुत सारी बातें करनी है, पहले तो मुझे ये पेट्रोल एक बार डाल लूंगा ना मैं, तो शांति मिल जाएगी मुझे। अभी पेट्रोल मिल चुका है अपने को, कार्ड है ना दादा, कार्ड गूगल पे फोन पे पेटीएम है का? कार्ड नहीं से का? पेट्रोल पंप कुठे जाओ ना भाऊ साहेब, तुम्ही बघितलं असेल आता काय विषय होतो, एकदा पनवतील काय, नशीब रे माझ कार्ड बंद आहे, पेटीएम बंद आहे, हा तर विषय होईल। तो मैं आपको बता रहा था मेरे साथ बहुत सारे कांड हुए, तो यार ये भी बता रहा कि मुझे पता है ये सारे कांड होने वाले थे मेरे साथ, प्लस ये चीजें होने वाली थी, मतलब एक तरह से ये मैंने खुद के ऊपर डाले हैं, ये समझ रहे क्या? ना यही चाहता हूँ कि मुझे मजा आता है यार। ये सारी चीजें है ना ऐसे येड़े चाले और प्लस ऐसे एकदम डिफिकल्ट वाली सिचुएशन ऐसे मोल लेने पर मुझे मजा आता है। मुझे इस चीज का पछतावा होगा कि मैंने उस चीज का ब्लॉग बनाया नहीं अच्छे से, पर कोई बात नहीं, अभी कैटी भाई का हेलमेट मिल गया है अपने को, क्योंकि ना यार हर बार आप ऐसे मतलब कैमरा बैग से निकाल कर शूट नहीं कर सकते सारी चीजें, बट आपके साथ साथ एक कैमरा अगर सपोज मैंने हेलमेट जस्ट पहन लिया तो सारी चीजें ऑटोमेटिक ऐसे मतलब स्टोरी बराबर अलाइन हो जाती है, पर ऐसे मतलब हैंड हेल्ड नहीं हो सकती, तो समझ रहे क्या? ये सारी चीजें मैंने बोल ली है और मुझे मजा आता है यार ये सारी चीजें करने में, जैसे कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए बीच रास्ते पर रात के 12:30-1 बजे और वो जो लगते है ना उसमें मेरा मजा आता है, मतलब समझ रहे यार जाते हो अभी। और जिस भाई कभी कभी ना मैं खुद को मतलब कभी कभी नहीं मैं बोल ही रहा है कि मुझे खुद को ना इसे खुद को एक बार प्राउड होता है कि मैं खुद भाग्यवान हूँ कि सारी चीजें देख रहे क्या यार आप? मुझे अभी रात में प्रॉब्लम हो गया तो फिर कैटी भाई अपने भोसरी के रहने वाले उन्होंने स्टे दिया, प्लस मेरे पास पुणे में घुमाने के लिए गाड़ी नहीं थी तो फिर अपने पाटिल साहब ने मुझे गाड़ी दी और पेट्रोल भी डाल के दिया था मतलब उन्होंने अच्छा खासा, तो समझ रहे क्या यार, और अपने मनीष भाई ने रहने के लिए जगह दी,
समझ रहे क्या यार, मतलब ब्लेस आदमी हूँ यार मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद के ऊपर कि इतने सारी चीज़ें मुझे मिल रही है और यार शुक्रगुजार हूँ मैं सारी चीज़ों का। ऐसा नहीं कि मैं एकदम ऐसे बेकार बेकार सिचुएशन आ रही है मेरे साथ और मैं एकदम ऐसा, वो चीज़ों का आपको मतलब उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना होता है, आपको हमेशा आपकी साथ जो अच्छी चीज़ें घट रही है उनके बारे में ही सोचना चाहिए। वही कर रहा मैं अभी, यार है भाई वागोली में। तो जी भाई पहुंच चुके हम वागोली में, जाएंगे अपने मनीष भाई के पास, पाटिल साहब को कॉल करूंगा, गाड़ी लेके जाए घर के। अभी रूम पर जाके मुझे फ्रेश वगैरह होना है, दो दिन से अंगोल नहीं किया हूँ भाई, बेकार लग रहा हूँ मुझे। अभी अच्छे से फ्रेश होऊंगा, मनीष भाई ने जुगाड़ करके रखा है मेरे लिए रूम का, हॉस्टल एक बेसिकली, तो वहाँ पर जाके फिर से मुझे निगड़ी के लिए निकलना पड़ेगा। मुझे हार्ड डिस्क लेनी है, कल मैं वेडिंग के लिए गया था वहाँ से मुझे डेटा कलेक्ट करना है चिंचवड से, तो मतलब अभी गाड़ी तो मिलेगी नहीं आज के दिन, कल देखेंगे। पर अरे इसके गियर्स भी है ना यार, उल्टे गियर्स ही, ये बजाज की गाड़ी होने के कारण ना इसके गियर्स उल्टे, कंफ्यूज हो रहा है वो आदा में, मतलब जो भी चल रहा था मेरे साथ। तेरी अमानत सुरक्षित है ना? मेरा लैपटॉप यहाँ पर था ना यार, मेरे को थोड़ा सा बेकार लग रहा था कि इधर कुछ कांड ना हो जाए। हाँ कैमरा चालू ही होता है ना मेरा, ऐसा है क्या, चलता नहीं क्या तुम्हें? चलो कैमरा बंद बोलने के लिए कहा है हमारे सचिन भाई ने, बंद कर लेते क्या। अजी भाई अभी मैं जा रहा पाटिल साहब को गाड़ी देने के लिए, बैग वगैरह मैंने होटल पर रख दी है, निकल रहा। तो अभी मैं जा रहा आउवाड़वाड़ी जो कि वागोली से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर अपने पाटिल साहब रहते हैं, उनको लेऊंगा फिर मैं, वो मुझे फिर से वागोली में ड्रॉप करेंगे। ऐसा लोचा होता है यार अगर किसी की गाड़ी लेते हैं ना आप, मतलब वो एडजस्ट कर रहे हैं यार मेरे लिए इतना सारा, वो एडजस्ट नहीं करता इतना सब कुछ, सही है, अच्छे लोग कमाए मैंने। पाटिल साहेब बैठ लेना, पाटिल साहेब। चलो पाटिल साहेब, बहुत परेशान किया है मैंने फोन लगा लगा के, चलाइए आता गाड़ी बंद कर दो, आते भी आए आता काही विषय नहीं, पण ज्या वेळेला तुम्ही एक शब्द वापरला ना सहज मारा, मग तो शब्द तुम्हाला त्यावेळेला नाही वापरता आला, ज्या वेळेला मी पहिला फोन लावला तुम्हाला, तुम्ही सहज मारा मला बोललेच नाही, पहिल्यापासून बोलले नाही तुम्ही मला, तुम्ही मला असंच काही आयडियाच नाही ना, आता हे बघा ही टेक्निक कशी आहे, तुम्ही सहज मारा सहज, एक मिनिट आज पण होत नाही आहे, सहज मारा सहज, एक मिनिट नंतर खाली चालले की थोडी ताकद लावायची, हा बरोबर, आता मी मारत कसा होतो सांगतो, नाही नाही हे पण कसं काय झालं काय माहिती, अहो ती किक बॅक पण येत होती, ती किक बॅक झाल्यावर इकडे पण शॉर्ट होत होता आणि सिग्नल वरती बंद पडल्यावर काय लागतं माहिती ना तुम्हाला। जाऊ द्या आपण, गाडी भारी आहे, एक नंबर आवडली मला, चालायला एक नंबर आहे, काहीच अडचण नाही आहे। ऑइल पडत होतं? नाही 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 साहेब, घरी नका, चला जाऊ आपण, दोन मिनिटाचं काम आहे, घरी काम आहे का तुमचं, चला मला वाटलं तुम्ही घरी घेऊन जाणार हे करणार ते करणार, मला नाही पाहिजे आता काही, मला फक्त आता फ्रेश व्हायचं आहे, दोन दिवसापासून आंघोळ गेली नाही आहे, एका किक मध्ये स्टार्ट होतं का तुमच्याकडनं, गाडी रोज वापरणार माणूस, तेच ना तेच ना, पण ती टेक्निक ना पहिले शिकायला पाहिजे होती मी तुमच्याकडनं, डायरेक्ट नाही घेऊन झालं ती गाडी। जी भाई अपने संदीप भाऊ हमें लेके आए उनके रूम पर, अभी जाएंगे देखते हैं कैसा जुगाड़ है, और जुगाड़ है मतलब ये अभी रहने का, देखते हैं अगर इधर अच्छा सेटअप हुआ अगर मैं कर पाऊंगा तो बढ़िया काम हो जाएगा। क्या संदीप भाई स्माइल दे रहे तुम सेक्सी वाली, हाँ है क्या कोई मतलब अंदर? हाँ जी भाई साहब सब हो चुका है, अभी नहाने धोने का कार्यक्रम दो दिन के बाद, इस रूम की टूर मैं आपको कल के ब्लॉग में कराऊंगा, ये ब्लॉग मतलब थोड़ा सा लंबा, मेरे से कुछ भी नहीं पता ये कैसे बना है, तब जस्ट बता देना कमेंट में, अगर आप कॉमेंट करेंगे ना फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू करूँ, बिल्कुल प्रोत्साहन दीजिएगा।